हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज जा रहे हैं हम गन्ने का रस निकालने। ये ट्रोली भर के गन्ना निकला है हमारे, जिसका रस निकालने जा रहे हैं हम। तो दोस्तों, थोड़ी देर के बाद हम पहुंच ही गए चरखी के पास। और दोस्तों, आज पहला दिन, तो इस दिन तो हम चरखी पे सटा खाली करके घर पे वापस जाएंगे, उसके बाद दूसरे दिन। तो दोस्तों, आज हो गया दूसरा दिन और हम सुबह सुबह मॉर्निंग को सुबह टाइम को निहार फटाफट साटा को रस काट वाला आ गया। थोड़ी देर बाद साटा को रस काटता है वहाँ का पापा लड़वा ला गया, वीडियो बढ़ावा का चक्कर में मैं बना रहा वीडियो। वो कह रहे जा भाई काम करो फटाफट, तो शाम तक फ्री हो जाओ। और दोस्तों, ये चमका काचर पिचर सारा रस पी भाई तैयार कर रहे हैं। ये पोस्ट दे दे, फोटो खींचा रहे जान, फोटो खींच रहे मैं कर रहा था वीडियो शूट। तो दोस्तों, ऐसे निकलता है गन्ना से जूस, गन्ना को साटा को काई भी कर सके थे मारा तो मुंडा में काई भर सको। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहे लास्ट तक। और दोस्तों, मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक अंगूठो तो टेक दीजिए कम से कम। और खाए नकरण सख्स बराए बरोक्स बराए फलाना डिगड़ा नकराना अंगूठो टेक दीजिए और लाइक पर। और दोस्तों, यो ड्रम भरिया सूप में चढ़ाऊँगा कढ़ाई, ये ऊंधा दिया कढ़ाई में रस। तो थोड़ी देर के बाद ही क्यों बना गो गुड़। ये पूरी प्रोसेस के बाद में गुड़ बनर तैयार हो गए। जो जो रात को माहौल माना सुबह से पहलता पहलता शाम पड़ी, रात हम बढ़िया 10 बजे ठंडा है कि मैं ताव देवा हूँ, क्यों ताव न लागे ठंड भी न लागे। रात में बढ़िया आराम से काम हो जाते हैं। मैं रात में कढ़ाई चढ़ाया जा दिन में ही ले कि मैंने चरखी बंद कर दी थी क्योंकि गर्मी पड़ रही थी बहुत खतरनाक। आजकल तावड़ा खतरनाक पड़ रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए हो तो लाइक कमेंट ये तो कर ही देना, सब्सक्राइब आपके हिसाब से देख लेना।